أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baluch, and I welcome you to yet another live transmission of Zor Ka Jor Janab. ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा हमने पाकिस्तान के खिलाफ, क्या शानदार मैच था. फर्स्ट इनिंग कितनी शानदार थी, लग रहा था कि अच्छा ये जो टारगेट दिया है विच वॉज 351 हम आराम से चेस कर लेंगे, हम कर लेंगे चेस और हम कर लेते अगर हमारी विकेट्स मजीद ना गिरती और हम ऑल आउट ना होते. आज हम बात करेंगे डेफिनेटली इसके ऊपर, लेकिन ऑफकोर्स और बहुत सारी चीज़ें. एक चीज़ मेरा एक सवाल है, हमारे भारतीय फैंस हैं, भारतीय सपोर्टर्स हैं, आप सबसे भी एक सवाल है, वो ये कि पाकिस्तान में कोई चीज़ मतलब ऊपर नीचे होती है तो आप लोग इतना बड़ा उसका जो है ना उसको मार्केट करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से आज के मैच में जो इंतजामात किए गए हैं आपकी साइड से. आई वॉन्ट टू आस्क योर गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेडियम के क्या हालात थे, वायरल हुई हुई हैं वीडियोस, व्हाट आर यू गाइस डूइंग. हम बड़ा ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा हर मैच में बड़ा ख्याल रखा अपने स्टेडियम्स का, बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद योर स्टेडियम. इसके साथ साथ ऑफकोर्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होगी. पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स वेलकम समबडी जनाब जो पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद हैं, हो सकता है वीज़ा लग जाए और वर्ल्ड कप की अपडेट्स हमें वहाँ भारत से मिले. वेलकम करते हैं जनाब कादिर ख्वाजा को, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. मैच देखने के बाद थोड़े से हालात डाउन हुए. डाउन हो गए. हम करेंगे इसके ऊपर बात, क्योंकि वो जो लास्ट विकेट गिरी है ना, वो तो मैं यूं खड़े हो गए थे कि ये क्यों हो गया, ये अभी नहीं होना था. बट ऑफकोर्स सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, MS धोनी की न्यू लुक्स, व्हाट अ डैशिंग लुक, व्हाट एन इम्पैक्टफुल लुक, इसके ऊपर बात करेंगे. सोशल मीडिया में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, हमारी एक्सपर्ट बताएंगी हमें. वेलकम करते हैं मीरम जिशान को, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल. और मुझे लगता है शायद हमारे साथ जंजानी साहब मौजूद हैं, मेरी टीम मुझे बताएगी डू वी. अच्छा थोड़ी देर में ज्वाइन इन करेंगे, लेकिन हम वेलकम है जनाब फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके साथ. मैसेजेस कीजिए, मैं जानती हूँ पाकिस्तानियों के आपके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रहा है. आपको पता है कि बाबर ने अच्छा खेला, आपको पता है इफ्तिखार ने अच्छा खेला, नवाज़ ने अच्छा खेला, लेकिन वहीं पर आप ये भी सोच रहे हैं शाहीन तुमने आज क्या किया, आप ये सोच रहे हैं कि फ़खर तुम आज भी ना खेल पाए. बहुत सारे सवाल और भी होंगे शादाब को लेके, कैप्टनसी थी जनाब, अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, एक्सपेंसिव ओवर उन्होंने भी दिया, विकेट ली, मोहम्मद वसीम ने भी आज दे दी, बहुत सारी बातें. सबसे पहले आपसे करते हैं, आपका एक कहना है भी, आप मुझे मेकअप रूम में कह रहे थे कि देखें जी हमने आज बहुत अच्छे से चेस किया है, ठीक है वो तो बाबा चला गया जल्दी रिटायर हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव मेड इट सारा, बट हमारी गलतियां आज भी थी, फ़खर कुड नॉट कम बैक. देखिए सारा बिल्कुल गलतियां थी और वही चीज़ें पाकिस्तान की बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी रिपीट हो रही हैं जो कि पहले मैचेस में हमें देखने को मिल रही थी. सबसे पहले फ़खर इमाम की बात की थी, ये ऐसे हमारे ओपनर हैं कि ये परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं. इमाम की कंसिस्टेंसी की बात करें तो इमाम हमेशा से परफॉर्मेंस देता हुआ है, अभी कुछ दो तीन मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस लैक हुई है. और हम फ़खर को जहाँ तक कंसर्न है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो फ़खर हमेशा से ही पूरी पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का फेवरेट इसलिए रहा है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है. वो जिस मैच में उसका रिदम वापस आ जाए फिर वो अगले मैचेस में परफॉर्मेंस देता रहता है. ये एक थोड़ी सी प्रेशर गेम भी होती है, टेंशन भी होती है, प्लेयर को ऑब्वियसली प्लेयर रिबोर्ट नहीं है, प्लेयर इंसान है, प्लेयर जब सोशल मीडिया पर या किसी चीज़ पर उसके ऊपर तनकीद होती है तो वो अपने जहन पर उसको कैरी ऑन करता है और अगले मैचेस में भी उसके जहन में ये चीज़ें होती हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको खुद भी रियलाइज होता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी गलत शॉट खेलता है और आउट हो जाता है. अब अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी परफॉर्मेंस दी श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था एशिया कप में, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उसके बाद अब आज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. लेकिन अच्छी चीज़ ये साबित हुई है कि जहाँ पर लोग तनकीद करते रहे हैं बाबर आजम पर, और आप यकीन करें कि अकेला बाबर आजम है और उसके बाद जो टीम का हाल होता है वो आपके सामने है. बिल्कुल. बैटिंग में अगर बाबर आजम नहीं चलता तो फिर कौन चलता है, ये सवाल है. तो आप ये देखें, बाबर आजम ने आज अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, आज वो मतलब वंडन आते रहे, उसके बाद अब वो नीचे आए, और नीचे आके भी उन्होंने साबित किया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो नंबर वन होता है ना वो नंबर वन ही रहता है और वो ऐसे नहीं नंबर वन बन जाता. उसने आके जिस तरह स्ट्राइक रेट, अच्छा स्ट्राइक रेट पे भी लोग बात करते थे बाबर की, बिल्कुल. अब कई लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेड एंड बटर जो जिसको हम कहते हैं कि सौदा उनका बेचना ही बाबर है. तो अब वो यूट्यूबर हों या हमारे जो बाकी दीगर साथी हों,
उनको सिर्फ ख्वाब में भी बाबर नजर आता है, उन पे तनकीद करने से शायद उनको कोई लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बाबर पर तनकीद, बेजा तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। आप ये देखेंगे बाबर ने जो आज जवाब दिया लोगों को, अपने नाकदीन को, हालांकि वार्म अप मैच था, लेकिन एक आप न्यूजीलैंड में भी उसकी परफॉर्मेंस देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उसने उधर भी परफॉर्म किया, इफ्तिखार उनके साथ बाबर के साथ खड़े रहे, चार आउट हो गए आपके जल्दी, और फिर आप चेस करने जा रहे 350 स्कोर, फिर उसके बाद आप कंडीशन में उस प्रेशर में जा रहे हैं जब आप चेस करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए 351 का जो है था उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटेजी बाबर ने बनाई है वो नीचे आके उसने मिडल ऑर्डर भी टेस्ट किया कि मैं मिडल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ, और लोगों को बताया 166.66 के रन रेट स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, और जिस तरह इफ्तिखार उनका साथ दे रहे थे, इफ्तिखार भी बेहतरीन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बैटिंग की है, और इफ्तिखार पे भी बहुत तनकीद हो चुकी है, सारा तनकीद तो हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी मैचेस में हमने देखा है, एशिया कप में भी देखा, आप एमसीजी में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वहाँ पर एमसीजी का ग्राउंड जो था वो इतना बड़ा था कि हमें खौफ आ रहा था बाउंड्री देख के। इफ्तिखार ने यहाँ से जाने से पहले पाकिस्तान में ही कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं छक्के लगाऊंगा और बड़े बड़े छक्के लगाऊंगा। तो आप यकीन करेंगे जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में छक्के लगाए थे तो हम भी हैरान थे कि वो ग्राउंड से बाउंड्री रोप से भी बाहर जाके स्टैंड में गिरते थे, मेलबर्न ग्राउंड इतना बड़ा है। तो अब वो उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, हम समझते थे कि इफ्तिखार जो हैं वो उसी तरह की मारधाड़ करने वाले प्लेयर हैं और बल्ला चलाने वाले प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने जो सेंसिबल इनिंग खेली है मैं समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे मिडल ऑर्डर पाकिस्तान के पास एसेट हैं। और नीचे जो कंसर्न है वो सलमान अली आगा का है। सलमान अली आगा बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बाबर के साथ भी काफ़ी अर्सा उन्होंने खेला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को भी आज देखें वार्म अप मैच में हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि फखर इमाम अब्दुल्ला, फखर इमाम पर हम इसलिए तनकीद कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर इसलिए बोल सकते हैं कि वो लोग रेगुलर ओपनर है। अब वार्म अप मैच में हम अपने बॉलर्स को भी टेस्ट कर रहे थे आज बैटिंग के हवाले से, हमने नवाज को भी ऊपर भेजा, नवाज ने वो साबित किया कि वो खेल सकता है, वो खेल सकता है, 50 किया उसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हुआ। हम 13-14 स्कोर से अगर हारते हैं तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो चेस नहीं कर सकते या उसकी सलाहियत नहीं रख सकते, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का हिकमत अमली अपनाई है, उन्होंने अपने नॉन रेगुलर स्पिनर्स से बॉलिंग करवाई, वार्नर को करवाया, लघु शैन से करवाया, ज़ैम्पा को नहीं शामिल किया, और उनके जो एक फास्ट बॉलर थे उनको भी शामिल नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी एक तरह से प्रैक्टिस हुई है और हमारी भी प्रैक्टिस हुई है। अच्छा। हमारा मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जीत इसलिए नहीं सके क्योंकि हमने ना मोहम्मद हारिस को बैटिंग करवाई, हमने ना उसके बाद साउथ शकील को बैटिंग करवाई, बाबर 90 पर अपनी इनिंग को छोड़कर वापस चले गए कि दूसरों को मौका दें। बाबर पर इस हवाले से भी काफी तनकीद होती रही है कि वो अपनी बारी लेता है और अपने लिए इनफरादी तौर पर खेलता है। अच्छा, I want to talk to you about पावर प्ले। देखिए आज हमने देखा कि पावर प्ले में वी वर अनएबल टू टेक एनी विकेट, 13 ओवर में जाके उसामा मीर हैज यू नो टेकन वन विकेट, तो ये व्हाट वेंट रॉन्ग विद द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक टुडे? आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने तो कर दिखाया, बट पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आज कहाँ स्टैंड कर रहा था? शाहीन आज कहाँ स्टैंड कर रहे थे? नवाज को हमने देखा, यू नो ही वाज एबल टू प्ले, बट देन इफ वी टॉक अबाउट हसन अली इन पर्टिकुलर, डॉट बॉल्स भी थी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसिव ओवर्स आल्सो। देखिए शाहीन और हसन ये हमारे न्यू बॉल के बॉलर हैं, इन दोनों ने जो शुरू के ओवर्स में बॉलिंग की है वो बड़ी इकोनॉमिकल की है। आप विकेट को, हाँ हम विकेट लेस रहे हैं, विकेट जो शाहीन जिसकी वजह से पहचाना जाता है 2-3 ओवर्स में, शुरू के 2-3 ओवर्स में विकेट लेता है और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेता है, तो उस हवाले से शाहीन को ये अनफॉर्चुनेटली 2-3 मैचेस हो गए हैं कि वो उसको विकेट अर्ली ओवर्स में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शाहीन के ऊपर प्रेशर एक डिवेलप होता है कि वो अर्ली ओवर्स में अगर विकेट नहीं लेता तो वो मिडिल ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हसन अली ने चूँकि नए बॉल से बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, स्विंग भी हो रहा था जो कि बड़ी अच्छी और हुशाइन बात यह है कि हसन अली जो हैं वो न्यू बॉल से बॉलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मिडल ओवर में आते हैं अक्सर बॉल स्क्रैच हुआ होता है और रफ हुआ होता है जिसकी वजह से हसन अली मिडल ओवर्स में आते हैं। हारिस रऊफ को अनफॉर्चुनेटली आज ज़रूरत से ज़ायद रन्स पड़ गए, और आप ये देखें कि तकरीबन 10 की इकोनॉमी थी उनकी,
और 97 रन उन्होंने कंसीड किए 9 ओवर्स में सबसे ज्यादा, लेकिन उनको इतने ज्यादा ओवर्स लेने भी नहीं चाहिए थे। देखें आपके पास अगर उसामा मीर ने हमें ब्रेक थ्रू दिलवाया या के बाद डिग्रे हमें 2 विकेट्स दिलवाई। उसामा मीर अच्छा बॉलर है और एज ए बैटर भी वो अच्छा खेल सकता है, वो अच्छी बैटिंग भी करता है वो। उसामा जो है उसको हमने देखा हुआ डोमेस्टिक में भी और पीएसएल में भी, इवन वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी उसकी बड़ी जबरदस्त है। तो आप ये देखिए कि थोड़ा सा हमें आज जो है वो ये अनफॉर्चुनेटली डिसीजंस थोड़े से बेहतरीन नहीं हो सके हमारे, और चूंकि उसामा मीर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनसे 5 ओवर्स करवाए गए, फिर उसके बाद 6 ओवर हसन अली से करवाए गए, शहीन से 6 ओवर करवाए गए, 10-10 ओवर्स या 8-8 ओवर्स, 9-9 ओवर्स नहीं करवाए गए 2 बॉलर से। मेरा ख्याल है हो सकता है शताब ने उनको रेस्ट दिया हो कि उनकी बॉडी में फटीग ना आए ज्यादा और उन पर वर्कलोड ज्यादा ना। ऑल्सो अगर हम फील्डिंग की बात करें, कैचेस आपने देखे जितने भी विकेट्स ली है, कोई हमने LBW नहीं किया, बॉल नहीं था, कैच हम अभी भी फील्डिंग में लैग कर रहे हैं, और हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग थी, हमारे मसले अभी भी हैं। वार्म अप मैच था लेकिन इम्पोर्टेंट था, फखर के लिए इम्पोर्टेंट था, शादाब के लिए भी इम्पोर्टेंट था, सवाल वही है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, वी हैव टू बी रियली पॉजिटिव। और अच्छी बात इसमें यह है, काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि जनाब एक मॉरल सपोर्ट होती है आपका, अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आपके साथ हो वो किससे कहानियाँ आपको सुनाता है, मुश्ताक साहब अक्सर ये बात कहते हैं, तो इसमें मुझे बड़ी अच्छी एडिशन लगी है, एक नई डेवलपमेंट है, वो ये कि इंजमामुल हक ही विल बी ट्रैवलिंग सून, आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़। वो जाएंगे ज़रा दोस्त, बिकॉज आपका एक रिलेशनशिप होता है प्लेयर्स के साथ, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एक अच्छा लगता है, हाउ डू यू टेक दिस थिंग ऑल्सो। देखिए मैंने खबर दी है, अभी हमारी खबर थी है, इनकी खबर थी जनाब, तो यही बताएंगे डिटेल्स। हाँ जी, तो मैं उनको बताता हूँ, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि कल जो है वो कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर रवाना हो रहे हैं इंजमामुल हक साहब, और गुज़श्ता रोज़ हमने ये प्रोग्राम में बात भी की थी कि हमारी तरफ से क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, तो आज हमने भेज दिया है, आप देख लें कल लाहौर से भी हमने किसको। हाँ अच्छा इनसे ही मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हमारी एक्सपर्ट मेरे बताती है, तो मुझे देख के बताएं कि वीजा के बारे में क्या अपडेट्स हैं, आपके पास भी आएंगे बट आप बताएं। देखिए ये जो वीजा के मसले हैं, इंजमामुल हक साहब को वीजा मिल गया है तो किसी को भी मिल सकता है, ये बड़ी बात है कि हमारा जो मेन जो बंदा है ना वो वहाँ पे जा रहा है, अब वो जाके वहाँ पे कुछ भी करवा लेंगे, मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि अब वीजा भी मिल जाएंगे। अच्छा जहाँ वीजा की बात हो रही है वहाँ पे एक और अच्छी चीज भी है, तेंदुलकर, यू नो ही हैज बिकम द एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ICC, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट मुझे लगता है वर्ल्ड कप के एंड तक होती रहेंगी। कादिर साहब देखिए ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, हमने जो गुज़श्ता वर्ल्ड कप था 2022 का T20 का ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर मोहम्मद हफीज भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर गए थे, ग्लोबल एम्बेसडर गए थे, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की थी, तो इस तरह के वो जोड़ते रहते हैं। अब BCCI जो है अब वो उन्होंने अमिताभ बच्चन समेत मुतअद्दिद जो उनके सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, उनको भी एम्बेसडर मुकर्रर किया, तो वो उनकी नुमाइंदगी सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर अब करेगा ICC की, तो उनके लिए बड़े एजाज की बात है ICC के लिए कि इतना बड़ा प्लेयर है तेंदुलकर, नाम है उसका, और पूरी भारत में खासतौर पर धोनी से पहले, इवन धोनी बाद में आते हैं, तेंदुलकर का नाम पहले आता है, और तेंदुलकर और धोनी ये दो उनके पास ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर हैं। अच्छा धोनी की बात हो रही है, अब बताएं जरा, ही लुक सो गुड, मतलब एकदम से फैशन ओरिएंटेड, ब्लैक हेयर स्टाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, पीपल आर लविंग, और हर जगह पे धोनी साहब की पिक्चर आ रही है, एंड आई एम ऑल्सो गोना लव इट। मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि यार कमाल की लुक है, अब चेंज आता है ना तो वो सूट भी किसी किसी को करता है, लेकिन धोनी साहब इज ऑन फायर राइट नाउ। देखो भारत जहाँ पे अच्छा काम होता है ना भारत में, वी ऑलवेज अप्रिशिएट, लेकिन जिस तरह से आप लोग एक बात के पीछे पड़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं आप में से जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, आई थिंक हमें ना इस वक्त बस सपोर्ट करना है अपनी टीम को, रादर बीइंग नेगेटिव अबाउट द अदर कंट्री। और भारत मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ओवर एक्साइटेड भी हो गया है, शदीद जैसे एंथम है वो भी थका हुआ, फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द एंथम, एंथम आई लाइक द एंथम, शादियों वादियों में अगर वो यू नो प्ले हो बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है, लेकिन खस्ता हालत में। If we talk about the video, I have my reservations. मुझे लगता है उसमें कुछ बड़ा होना चाहिए था, ग्राउंड में होना चाहिए था, आउटडोर में होना चाहिए था। What is your take? वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में, there should be something ना होना चाहिए जो याद रहता, लाइफ टाइम याद रहता। मिसिंग क्या है? मिसिंग उसमें सब कुछ है, आप ही पूछें प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट उसमें सिर्फ नहीं, देखिए वो नेशनल एंथम नहीं है,
2011 वाला जो एंथम है वो इवन भारत के अलावा पूरी दुनिया के स्टेडियम्स में गूंजता है दे घुमा के Yeah. तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने शंकर अली जफर जो है यार उसके मतलब अरे अली जफर से मुझे याद आया, आई एम स्टिल वेटिंग, मुझे नहीं पता आप बेहतर बता सकती हैं, अली जफर हमेशा PSL हो कोई भी टूर्नामेंट हो ही हैज ऑलवेज कम अप जनाब, इस बार भी तैयार है, वो कोलैबोरेशन है अली मुस्तफा के साथ, ही हैपेंस टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट म्यूजिशियन ऑफ पाकिस्तान, दे आर कमिंग अप विद देयर हम बताएंगे कि ये एंथम होता है। हाँ, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड क्योंकि अली के भी जो एंथम्स होते हैं उसके अंदर एक भंगड़े वाला टच, बिल्कुल एक देसी एलिमेंट डेफिनेटली होता है, बट कमिंग बैक टू योर एंथम, एंथम इज गुड, वीडियोज में हमारे कुछ रिजर्वेशन है, सिर्फ हमारे नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है और बहुत भरपूर तरीके से लिखा है, विक्रांत गुप्ता ओहो ही वाज सो एंग्री, क्या ये किस किस्म का आप लोगों ने एंथम बना दिया, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर साहब जो, तो वो तो कहते हैं मेरे बच्चे डर गए हैं, शोएब को क्या, शोएब को तो अभी भी दुख है कि मोहम्मद आमिर क्यों नहीं ऐड ऑन, शोएब भाई के बच्चे जो हैं वो हर मर्तबा डर जाते हैं, वो PSL का गाना भी सुनते हैं तो डर जाते हैं यार, लेकिन कमिंग बैक टू शोएब अख्तर, इंक्लूजन नहीं हुई मोहम्मद आमिर की, वो बोल बोल के थक गए, पाकिस्तान बोल बोल के थक गया, अब जो है यही है, बट एक सवाल है मेरा आपसे, शादाब ऑफ कोर्स आज कैप्टनसी देख रहे थे, वो बहुत लोगों के सवाल आए कि बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया, ऊपर आ गए, इसका जवाब मैं दे सकती हूं, दे जरा पहले, हैदराबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी इतनी ज्यादा खा ली है कि वो स्लो हो गए हैं, उन्होंने खुद बोला ना स्लो तो हो गए, बट ये क्या है आपके पास अगर इख्तियार आया तो आप कुछ और भी, आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, आप बैटिंग ऑर्डर डिफाइन क्यों नहीं कर रहे यार, देखें वो रेगुलर कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन है, बाबर ने उनको कहा कि आप कप्तानी करें, खुदा ना खासा कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेड है, अगर बाबर बीमार होते हैं खुदा ना खासा, अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला ने हमेशा सेहत याब रखे, फिर कप्तानी किसके पास आती है, शादाब खान के पास, तो उनको पता होना चाहिए, देखिए पता होना चाहिए उनको कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और किस तरीके से किस मुश्किल से कहाँ सर्वाइव करना है, आप भी देखिए शादाब खान ये वार्म अप मैच है, आप इसको मैच डिक्लेयर ना करें और ये ना समझें कि ये प्रॉपर मैच है, आपको 6 तारीख को जो पाकिस्तान टीम नजर आएगी वो अलग नजर आएगी और अलग रूप में, अब ये एक बड़ी सनसनी खेज खबर है अभी मैं ब्रेक कर रही हूँ, वो ये कि कादिर ख्वाजा ने कहा है, प्रेडिक्ट कर दिया है कि वो जो नेदरलैंड के खिलाफ हमने खेलना है फतेह हमारी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि शादाब ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज, बैटिंग ऑर्डर तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी चेंज करता था, आप देखें कि उसने अपनी बैटिंग भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है, आज ही करनी थी जो कैप्टनसी वाली, पहले भी आता है ऊपर से, आप बाबर ने खुद उसको कई मर्तबा ऊपर भिजवाया वो जाके परफॉर्म करे, लेकिन आज तो इख्तियार आपको पता है, फिर आज ये देखिए गलत बात है ना, ये चौधरी थी ना आज, जब आपको इख्तियार मिलते हैं तो मतलब अच्छा, इसी कैप्टनसी के हवाले से एक और क्वेश्चन भी है, ऐसा हमारे दोस्तों का भी कहना, बिकॉज ऑफ कोर्स टीम बता रही है मुझे, आप लोग मैसेज कर रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे करते रहे, हम शामिल करते रहेंगे, कि फील्डिंग में भी वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया, फील्डिंग की जो प्लेसमेंट थी लगा कि हाँ बाबर आज नहीं था कैप्टन, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, हमारे तीन मसले चल रहे हैं इस टाइम पे, पहला मसला है फखर जमान, सिर्फ पहला मसला फखर जमान, बल्कि आप 4-5 लगा ले मसले फखर जमान पहला मसला चल रहा है, फिर दूसरा मसला हमारी बॉलिंग, हमारे पास जो नसीम शाह की इंजरी हुई है उसकी रिप्लेसमेंट का मसला चल रहा है, ठीक है, तीसरी चीज है हमारी फील्डिंग जो कि काफी अरसे से लैग करती गई, लेकिन इस टीम ने इस ये जो अभी लड़के खेल रहे हैं उन्होंने अपनी बड़ी इम्प्रूव की है फील्डिंग, और मुझे याद है कि जब अब्दुल मजीद थे फील्डिंग कोच इससे पहले जो आफ्ताब हैं अभी उनसे पहले, तो उन्होंने बड़ी इम्प्रूवमेंट लाई थी उनकी फील्डिंग में, आपने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में भी देखा हो, आपने पाकिस्तान होम सीरीज में भी देखा हो, नेदरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी, तो हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी थी और नजर सी लग गई ये समझ से बाहर है कि अचानक हमारी फील्डिंग क्या हुआ, लेकिन आज भी हमारा स्कोर, हमने स्कोर बना लिया था, हमने स्कोर, हम लोग उन्होंने हमने भी प्रैक्टिस मैच के तौर पर खेला, उन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए, उन्होंने अपने मेन बॉलर्स लगाए नहीं, जिस तरह हमने रिजवान को आज रेस्ट करवाया, शहीन से सिर्फ 6 ओवर करवाए, हसन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनसे सिर्फ 6 ओवर करवाए, और ये भी एक एतराज समझा जा रहा है कि बाबर आजम के साथ तो सिर्फ जो है वो एक नॉर्मल स्पिनर्स थे, कोई उनके साथ ये जैम्पा जैसे नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि उसामा मीर हमें एक अच्छी शक्ल में प्लेयर जो है वो अच्छा प्लेयर दिखाई दिया, और जिस तरह उसामा मीर को पहले शामिल नहीं किया जाता था, अब चूँकि उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उसने बैट से भी रन्स करके दिखाए हैं और क्रूशल सिचुएशन में,
तो मैं समझता हूँ कि बाबर की फर्स्ट चॉइस अब जो है वो उसामा मीर ही होंगे, और नवाज ने परफॉर्मेंस दे दी है साथ बैटिंग से, तो फिर अब ये चीजें। मोहम्मद वसीम जूनियर, ऑल्दो एक विकेट अपने नाम की, लेकिन आपने देखे, आपने उनके ओवर्स भी देखे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, स्विंग करते हैं, यॉर्कर करते हैं, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती तो आपके अच्छे बॉल भी नेगेटिव वाले साइड पे जाते हैं। अच्छा, उन्होंने यॉर्कर किए, उनको एज लगी और चौके होते रहे, तो ये चीजें चलती रहती हैं, अब अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इस दौरान पे हम चूंकि अपने आप को ग्राउंड में रख के देखें तो हमें बाहर से बैठ के बातें करनी बड़ी आसान होती हैं। ये जो लोग आज जो लोग थे, अब वो किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पे मैं सारा स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पर मैंने देखा है कि जब हसन अली को भेजा गया, हालांकि बाबर खुद डिक्लेयर करके अपनी इनिंग चला गया, वो खेलने को खेल सकता था, रन कर सकता था और मैच जीत सकता बिल्कुल था। लोग तब सब कुछ भूल जाना था कि सऊद शकील कहाँ गया, उसको क्यों नहीं बैटिंग दी। भाई, सऊद शकील जब हसन अली को ग्राउंड में भेजा है बैटिंग के लिए, तो फिर लोगों की बौछाड़ शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम ही मेरे ख्याल में सिंध वाली साइड की होनी चाहिए कि वहाँ से फिर बौछाड़ ना हो तनकीद के। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो कभी खुश नहीं हो सकते किसी हाल में। सऊद शकील को बैटिंग नहीं करवाई, वो फिर सवाल आप पूछें बाबर से या शदाब से या मिकी ऑर्थर से या ग्रैंड ब्रैडबर्न से। अब इसमें आज कप्तानी थी शदाब खान की, बाबर का इसमें क्या कसूर है? बाबर के साथ लोग जोड़े कि जी आपने सऊद शकील को बैटिंग पे क्यों नहीं भेजा? बस उनको लगता है कि इनडायरेक्टली बाबर ने कहीं ना कहीं हाथ धरा। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास जो है ना वो बाबर आजम जैसा प्लेयर पैदा हो गया। बदकिस्मत क्यों है? बदकिस्मत इसलिए है कि हम लोग उसकी कदर ही नहीं करते। बिल्कुल, हम लोग उसकी कदर नहीं करते। नहीं, एक कमेंट आया हुआ है कि बाबर आजम जो है वो टीम में ना हो तो आप हाल देख लें, मतलब फील्डिंग कैसी थी और जिस तरह से विक्रांत ने भी बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं बाबर के बारे में, तो जहाँ पे तनकीद होती है भारत में ऐसी बातों के ऊपर पाकिस्तान में जो बेसलेस है, वहाँ पे ऑफ कोर्स देयर आर जर्नलिस्ट लाइक विक्रांत हु टॉक्स रियली गुड अबाउट बाबर एंड हिज कैप्टनसी आल्सो। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, हसन अली के साथ आज जो हुआ है आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ससुराल है ना, द्वार लग गई होगी, मतलब कैच ऑस्ट्रेलिया से छूट गया यार, अमेजिंग मोमेंट, मतलब देखने वाला था। आई वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। आज भी एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग, दो लोगों से हमारी उम्मीदें थी, सबकी नजरें थी कि अच्छा यार ये दो, बाकी सब ठीक है, ये कैसे खेलेंगे? तो फखर कुड नॉट प्ले, वो कैसे अपने मेंटल अपने जो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं और अपने आप को कम बैक कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ये भी एक टेंशन तो होती है, डिसअपॉइंटमेंट क्या आई कुड नॉट, मुझे तो लगता ही नहीं कि ही डिसअपॉइंटेड, मुझे तो लगता है ही वुड बी कॉन्फिडेंट। देखें, अभी इस लेवल पर ना पहुँच कर प्लेयर जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं देखता, नोट नहीं करता, होते रहते हैं अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। विराट कोहली जो है ये हमारा मुल्क ही है, मैंने आपको बताया बदकिस्मती से वो बाबर आजम यहाँ पर पैदा हो गया, उसको अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में पैदा होना चाहिए था जहाँ पर किसी बंदे की कदर भी करते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, बाबर से एक मैच में रन नहीं ना होता तो लोगों के जो तनकीदी निश्तर होते हैं ना, जो तीर होते हैं, वो बाबर पर चलने शुरू हो जाते हैं। आप विराट कोहली को देखें, 3 साल परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी, 3 साल, लेकिन BCCI ने और क्रिकेट बोर्ड ने, उनके क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने उस पर ट्रस्ट था कि वो बड़ा प्लेयर है, वो परफॉर्मेंस देगा, और फिर उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है, वो आपके सामने है। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक प्रोपोगंडा मशीन्स हैं जो कि प्रोपोगंडा एकदम शुरू करती हैं, एजेंडा जो है वो शुरू बना लेती हैं, एजेंडा शुरू कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो झूठा सोशल मीडिया बेसिकली यहाँ पर इस वक्त होता है, जिससे ट्रोलिंग होती है और हैशटैग्स बनते हैं, उससे बेसिकली आजकल के दौर में सिलेक्शन भी होती है और टीम में इन आउट भी होता है और किसी का कैरियर डिसाइड भी होता है। ये बड़ी एक बिटर रियलिटी है जनाब। इसी नोट के साथ आई हैव टू थैंक बोथ ऑफ यू, कल फिर हाजिर होंगे जनाब। लेकिन अगेन 351 का टारगेट था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया, पाकिस्तान 337 पे जनाब ऑल आउट, वी कुड नॉट रियली मेक इट, लेकिन हमें खेल नजर आया, बाबर ने खेला, इफ्तिखार ने खेला, नवाज ने खेला। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा मैच है नेदरलैंड के ख़िलाफ़ 6 अक्टूबर को
वो ना हम अपने नाम कर लें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ दिस इज मी साला बलोच साइनिंग आउट। अपने कमेंट्स जरूर जो है वो आप ड्रॉप कीजिए, बिकॉज मैं भी देखती हूँ, हमारी टीम भी देखती है और हम उनको शामिल भी करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज़।